नेक्स्ट फोर्स जो हमें डिस्कस करनी है दैट इज द न्यू एंट्रेंट. सो न्यू एंट्रेंट मीन्स कि हमें ये देखना है फॉर एग्जांपल कि जिस इंडस्ट्री में हम ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पर नंबर ऑफ एंट्रेंट्स कितने हैं और न्यू एंट्रेंट्स की आने की पॉसिबिलिटीज़ क्या है. होता यह है कि जब हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या एक प्रॉफिटेबल वेंचर स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली हम बिकॉज ऑफ द यूनिकनेस ऑफ द प्रोडक्ट वी कैन एक्सपेक्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी. बट जैसे ही वो प्रोडक्ट और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी मार्केट के अंदर दूसरे कॉम्पिटिटर्स को पता लगती है दे ऑलवेज ट्राई टू एंटर इनटू द मार्केट टू शेयर दैट प्रॉफिटेबिलिटी. सो होता ये है कि आप उनकी इस एंट्री को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं इफ देयर आर एंट्री बैरियर्स. सही. सो व्हाट आर दैट एंट्री बैरियर्स दैट कैन रिस्ट्रिक्ट द एक्सेस ऑफ न्यू एंट्रेंट्स. सो पॉइंट इज दैट कि इफ बैरियर्स आर लो और बैरियर्स आर वीक देन कॉम्पिटिशन इज हाई, क्योंकि एंट्रेंट्स जो होंगे वो ईजीली एंटर हो जाएंगे और एंट्रेंट्स जब आएंगे तो दैट विल पुट अ प्रेशर ऑन द एंटिटी टू रिड्यूस प्राइस, टू गो टू द एडवर्टिजमेंट वॉर, और इस तरह से एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होगा और कॉम्पिटिशन बढ़ने की वजह से प्रॉब्लम्स होंगी ऑर्गेनाइजेशन को. बट इफ द बैरियर्स आर फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग, entry barriers are there, so less competition, so no pressure on the organization. Now ye jo barrier to entries hote hain ye industry mein kis tarike se create hote hain, so these are the examples. Number 1, economies of scale means that ki aapke jo operations hain unka size itna wider hona chahiye ki aap easily jo hai wo economies of scale, that is the रिड्यूस्ड यूनिट कॉस्ट. पर यूनिट कॉस्ट आपकी रिड्यूस हो जाए. अगर आप मैस प्रोडक्शन करते हैं तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है एंड यू आर इन अ पोजिशन टू सर्वाइव. सो अगर फॉर एग्जाम्पल बिजनेस में सर्वाइव करने के लिए इकोनॉमीज ऑफ स्केल की ज़रूरत है, सो इकोनॉमीज ऑफ स्केल मैस प्रोडक्शन के अलावा अचीव नहीं हो सकती. सो दैट पुट अ प्रेशर ऑन द न्यू एंट्रेंट्स टू अचीव दैट मार्केट शेयर विच विल जनरेट इकोनॉमीज ऑफ स्केल. सो इफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल लेना ज़रूरी है सो दैट वुड बी डिफिकल्ट. It will act as a barrier to entry. Second one is the product differentiation. अगर आपका product एक generalized product है so उसे copy करना easy होता है, but लेकिन अगर आपका product एक differentiated product है, एक unique product है, एक ऐसा product है जिसको copy करना difficult है और उसके पीछे patented products हैं या protection है, तो अल्टीमेटली न्यू एंट्रेंट उसको ईजिली कॉपी नहीं कर सकता, एंटर नहीं हो सकता. इट विल क्रिएट अ एंट्री बैरियर. सो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन विल क्रिएट एन एंट्री बैरियर. सिमिलरली इफ ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट इज देयर इन ऑर्डर टू एंटर इनटू द इंडस्ट्री और टू इनिशिएट अ प्रोडक्ट लॉन्च, सो दैट विल क्रिएट अ बैरियर एज हर ऑर्गेनाइजेशन के पास कैपिटल रिक्वायरमेंट ईजिली अवेलेबल नहीं होती. तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी तो एंटर होंगी, हर ऑर्गेनाइजेशन एंटर नहीं होगी. सिमिलरली द स्विचिंग कॉस्ट. अगर आपका कस्टमर आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है और वो उस प्रोडक्ट के साथ अटैच्ड है और अगर वो उस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करता है तो उसको एक स्विचिंग कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी. सो दैट स्विचिंग कॉस्ट विल पुट द प्रेशर ऑन द कंज्यूमर टू स्टे विद द एग्जिस्टिंग बिजनेस. इफ स्विचिंग कॉस्ट इज लो और nil switching cost, the competition would be high or the entrance would be very much in the business. Access to distribution channel. जब एक नया business किसी market के अंदर enter होता है तो उसको अपनी product बेचने के लिए new distribution channel acquire करने पड़ते हैं. अगर distribution channel acquire करना difficult है और saturation है, no more distribution channels are available, so that would put a pressure on the entity कि आप इस नई मार्केट में एंटर नहीं हो सकते क्योंकि आपको अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए एक नया चैनल चाहिए और चैनल्स ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हैं, या फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आपको प्रीमिसेस चाहिए, प्रीमिसेस आर नॉट अवेलेबल, सो यू कैन नॉट एंटर इन टू दिस इंडस्ट्री. सो ये आपके लिए एक बेरियर क्रिएट कर लेगा. सिमिलरली
दी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज और एक्सेस टू द रिसोर्सेज। इट माइट बी लाइक के आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स इजीली अवेलेबल नहीं है, आपको जो है वो मटेरियल रिक्वायरमेंट इजीली अवेलेबल नहीं है, तो दैट विल क्रिएट एंट्रेंट बैरियर। एंड सिमिलरली द रिटेलिएशन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग प्लेयर, इफ द न्यू एंट्रेंट नोज दैट कि अगर मैं इस इंडस्ट्री में एंटर होता हूँ और एग्जिस्टिंग प्लेयर्स की तरफ से रिटेलिएशन आती है, सो उस रिटेलिएशन को वो अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी तो वो रिटेलिएशन को अफोर्ड कर सकती हैं, रिटेलिएशन के अगेंस्ट वो भी अपनी पॉलिसीज चेंज कर सकती हैं, लेकिन अगर एक छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी तो वो रिटेलिएशन का सामना नहीं कर सकती, इसलिए वो कोशिश करेगी कि इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर ना हुआ जाए। तो इन शॉर्ट, इफ देर आर मोर एंट्रेंट्स देन देर वुड बी मोर कॉम्पिटिशन, दैट विल पुट अ प्रेशर ऑन आर स्ट्रेटजीज, और अगर बैरियर टू एंट्रीज होंगी तो एंट्रेंट्स के लिए डिफिकल्टी होगी, और अगर बैरियर टू एंट्री नहीं है तो उनके लिए मार्केट में एंटर होना ईजी होगा, और मार्केट शेयर जो है वो आपका लूज हो सकता है, मार्केट शेयर आपका डिस्टर्ब हो सकता है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट हो सकती है। नेक्स्ट फोर्स इज दी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं उसके मुकाबले में जो ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स हैं, आर द प्रोडक्ट्स एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स? इफ यस, इफ सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल एंड इफ देयर आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल, देन द फोर्स इज वेरी स्ट्रांग, और ये फिर एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेगी, कॉम्पिटिशन ज़्यादा बढ़ेगा। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल हम प्राइसेस इंक्रीज करते हैं तो लोग सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की तरफ जम करेंगे, अगर हमारी क्वालिटी खराब होती है, डिटेरियोरेट होती है, तो लोग सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की तरफ जम करेंगे। सो ये हम पर एक प्रेशर होगा कि हम अपनी प्राइसिंग इंक्रीज नहीं कर सकते, हम अपनी क्वालिटी नहीं गिरा सकते, हमें अपने कंज्यूमर को रिटेन करने के लिए कि वो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की तरफ ना जाए, प्राइसिंग पे फोकस करना पड़ेगा, क्वालिटी पे फोकस करना पड़ेगा। अब ये सब्स्टिट्यूट्स यूजुअली टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत इजीली क्रिएट हो जाते हैं, ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नाउ देर आर मोर एंड मोर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल। एज ए रिजल्ट, क्योंकि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आती जा रही है, तो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इजीली, एंड ड्यू टू दिस पॉइंट ये सब्स्टिट्यूट ज़्यादा अवेलेबल हैं तो कंपटीशन भी ज्यादा है, और उसमें सरवाइव करने के लिए आपको अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ती है, ठीक है। और अगर बहुत क्लोज सब्स्टिट्यूट है, लाइक फॉर एग्जांपल पेप्सी एंड कोक, तो अगर बहुत क्लोज सब्स्टिट्यूट है तो उस केस के अंदर आपकी जो भी स्ट्रेटेजीज होंगी, जो भी प्रोडक्ट्स होंगी, जो भी प्रोसेसेस होंगे, वो बिल्कुल सिमिलर होने चाहिए, अदरवाइज स्टूडेंट विल नॉट otherwise the sorry consumer will not wait for the product, और वो बिल्कुल easily जो है वो competitor की product पे jump करेगा और उसको easily इस्तेमाल कर सकता है।